आज दुनिया भर की निगाहें ईरान की राजधानी तेहरान पर टिकी थी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई साल 2020 के बाद पहली बार जुमे की नमाज की तकरीर करने वाले थे। ये तकरीर इसलिए भी खास थी क्योंकि हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद पहली बार वो हजारों लाखों लोगों को संबोधित करने वाले थे। इसराइल और अमेरिका तो खास तौर से खामनेई की तकरीर पर नजरें गड़ाए बैठे थे। हजारों लाखों की भीड़ आ चुकी थी, जिसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई आए। उन्होंने तेहरान की इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में सभी को नमाज पढ़वाई। इसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान खामनेई ने हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्ला और इसराइल का जिक्र करते हुए दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की। हर देश के पास अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। फिलिस्तीनी लोगों के पास पूरा अधिकार है कि वो उन ताकतों के खिलाफ खड़ा हो जाए जो उन पर कब्जा करना चाहती है। पिछले साल 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास ने जो हमला किया था वो बिल्कुल सही था। हिजबुल्ला और लेबनान के लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। इसराइल को लेबनान से मार भगाया गया था। लेबनान के मुसलमानों ने अपनी इज्जत की हिफाजत की और इसराइल के खिलाफ लड़े। फिलिस्तीन पर दुश्मनों का कब्जा है, फिलिस्तीन को जमीन वापस लेने का हक है। हमास भी फिलिस्तीनी मुस्लिमों के हक के लिए इसराइल के खिलाफ लड़ रहा है। हम किसी भी कीमत पर इसराइल का खात्मा करके रहेंगे। ईरान ने इसराइल को मिसाइल से जवाब दिया है। अगर जरूरत पड़ी तो हम इसराइल पर दोबारा हमला करेंगे। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्लाह और रुखसती हमारे लिए अपूर्णीय क्षति है। ये इसराइल तमाम मुसलमानों के दुश्मन है। मुसलमानों पर सितम ढहाया जा रहा है। ये सिर्फ हमारे नहीं बल्कि फिलिस्तीन और यमन के भी दुश्मन है। हम दुश्मनों के मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। वो मुसलमानों से दुश्मनी बढ़ाना चाहते हैं। दुश्मन अपनी शैतानी सियासत बढ़ाना चाहते हैं। मैं अरब के मुसलमानों से कह रहा हूँ कि हमारा साथ दो। लेबनान के लिए हम सब कुछ करेंगे। आप लोग अल्लाह के बताए रास्ते से नहीं हटे। हालांकि खामनेई की इस अपील का दुनिया भर के मुस्लिम मुल्कों पर क्या असर होगा ये तो आगे आने वाले वक्त में मालूम चलेगा, लेकिन इस वक्त ईरान के सामने बड़े युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि अमेरिका और इजराइल से ईरान की पहले से ही तनातनी चली आ रही है। पिछले कई वर्षों से ईरान अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, वहीं अब इजराइल से जंग की आशंका गहरा गई है। इस लिहाज से भी खामनेई की मुसलमानों से एकजुट होने की अपील के कई मतलब हैं। इस अपील के जरिए वो सभी मुस्लिम मुल्कों को संदेश देना चाहते हैं। वहीं बीते 1 अक्टूबर को मिसाइल हमले से इजराइल बौखलाया हुआ है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान को सबक सिखाने की चेतावनी दे रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान के ऊपर युद्ध के काले बादल छाए हुए हैं। ये दुनिया में दुविधा है, जिसको वो फ्रीडम फाइटर कहते हैं हम उसको टेररिस्ट कहते हैं, और जिसको हम फ्रीडम फाइटर कहते हैं दूसरा उसको टेररिस्ट कहता है। तो मिडल ईस्ट की वर्ल्ड में ये हम क्लासिक देख रहे हैं। ईरान तो कहेगा ही ना फ्रीडम फाइटर है नसरुल्लाह, और जो भी हम कर रहे हैं हम सही चीज कर रहे हैं, और वो तो दूसरा साइड है जो कि आतंकी है। इसराइल कहता है एंड राइटफुली ऑल्सो मेनी केसेस में कि ये आतंक कर रहे हैं, और इसराइल हम जो कर रहे हैं हम फ्रीडम और लिबर्टी के लिए फाइट कर रहे हैं। तो ये क्लासिक डिवाइड रहेगी, दैट इज वन। सेकंड, ईरान का ये कहना और ये भी समझ आता है, क्योंकि ईरान और इसराइल की एक तरह से दुश्मनी इतनी बढ़ चुकी है कि दोनों एक दूसरे का एंड देखने की तरफ चल रहे हैं। इसराइल ने ठाना हुआ है ये गाजा अटैक होता या ना भी होता हमस का 7 अक्टूबर का, इसराइल ने उससे पहले से ही काफी से डिसाइड कर रखा है पब्लिक स्टेटमेंट्स में भी कि वो ईरान को कभी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं बनने देगा। और ये खबरें साल भर पहले भी आ रही थी, अब भी आ रही हैं कि ईरान काफी निकट है फ्यूल को लेकर के, एटम बम तो नहीं बट एटॉमिक फ्यूल को लेकर के बनाने के में। तो ऐसे में एक्सपेक्ट तो यही करा जाएगा कि ये जो जंग जा रही है ये ईरान की न्यूक्लियर रिसर्च और न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो फैसिलिटीज हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की तरफ जा रही है इसराइल की तरफ से, एंड ऑल्सो ईरान के अंदर एक रेजीम चेंज एंड सेकेंडली ईरान के अंदर रेजीम चेंज। देखिए
ईरान का अगर इसराइल न्यूक्लियर प्रोग्राम एलिमिनेट कर भी दे या डिले कर दे, ब्लास्ट कर दे, 10 साल तक डिले हो गया, पर प्रॉब्लम तो फिर भी वही रही ना। अगर ईरान की रजीम इसराइल की जानी दुश्मन रही तो इसराइल का ऑब्जेक्टिव यह है और अमेरिका का ऑब्जेक्टिव भी यह है कि ईरान की रजीम चेंज हो। उसके लिए कुछ पीसेस ऑलरेडी हैं भी, ईरान के अंदर ऑपोजिशन है इनकी सरकार को, कुछ हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट, एक वो बहुत बड़ा रीजन भी था। ईरान के नॉर्थ में जो कर्डिश रीजन्स हैं वहां से रिबेलियन हो रहे हैं, ईरान के साउथ ईस्ट में जो ईरान का बलूचिस्तान है वहां इंसर्जेंसी है। तो इन सब इंसर्जेंसीज और ऑपोजिशन को बढ़ावा देना और उसके जरिए रजीम चेंज करवाना ईरान का, ये एक उद्देश्य है इसराइल का और अमेरिका का। ईरान के लिए आने वाले कुछ दिन काफी तनाव भरे और महत्वपूर्ण है। ईरान मुस्लिम मुल्कों को इसराइल के खिलाफ एकजुट करना चाहता है, तो वहीं दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क कहा जाने वाला अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है। इसलिए अटैक किया था कल, सिर्फ मिलिट्री बेसिस जो इंटेलिजेंस भी है, इसराइल का इंटेलिजेंस भी है, जो उनका मोसाद है, जो 9,900 वाली यूनिट है, 8,200 यूनिट है, एयरपोर्ट भी, सब कुछ टारगेट मिलिट्री टारगेट किया था। और ईरान खुद बताया था अगर इसराइल दोबारा फिर अटैक हो रहा है, इस बारे हमको इकोनॉमिक इंस्टॉलेशन है और इनके पूरे देश में डबल अटैक कर रहा है। लेकिन इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं, किसी के देश में, किसी के शहर में जो लोग यहाँ पर वेस्ट एशिया में रहने वाले, किसी को मानते भी नहीं यूथ के लिए, हम सबको कह रहे शांति करो और शांति बैठो, सोल्यूशन हल मसाला का दे दो। लेकिन इसराइली वो प्राइम मिनिस्टर मना कर रहा है, कह रहे आई एम गोइंग टू अटैक, आई वांट टू प्रोटेक्ट माय ओन पीपल। इसलिए तो शुरू हो रहा है और प्रोवोकेशन, कंटिन्यूस प्रोवोकेशन तो परमानेंट वो रहेगा ना। यूएस रोल में बिल्कुल आंख बंद कर दिया था, इलेक्शन में जा रहे, उन्होंने खुद बताया था, नेतन्याहू खुद बताया था, प्रधानमंत्री उन्होंने खुद बताया था राष्ट्रपति अमेरिकन में, हमको निगोशिएशन नहीं है और गाजा स्ट्रिप बंद नहीं कर रहा है और हमको ये तो प्रिजनर एक्सचेंज नहीं हो सकता अगर हमारे टर्म नहीं लगा देंगे, लिए जो हम लोग शर्त लगा देंगे, हमास डिसमेंटल नहीं हो रहा है, हम तो रुकते भी नहीं है। तो इसलिए ये तो चल रहा रहेगा, अमेरिकन बिल्कुल आंख बंद कर रहे, डिप्लोमेटिकली ब्लाइंडली आंख बंद कर रहे, सारे इसराइल जो कहते तो ठीक करने के लिए। और लेकिन अगर आप राष्ट्रपति के सुनते जो अमेरिकन बाइडेन में यूएन जनरल असेंबली बात कर गए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने खुद बताया था वी वॉन्ट टू स्टेट सोल्यूशन, लेकिन एक ही आंख में दूसरे आंख में कह रहे इसराइल कंटिन्यू द वॉर ऑन द पैलेस्टीनियन, तो टू स्टेट सोल्यूशन कहाँ है। इसलिए अमेरिकन इलेक्शन तुरंत से अभी तक, आप समझ लो 40 दिन में जिस वक्त इलेक्शन में आ रहे, 2 महीने के बाद अभी तक होने वाले, तो कोई रुकते नहीं है। अमेरिकन रूल विल बी जस्ट लाइक अ पपेट, कुछ नहीं कर सकते वो, तो सिर्फ उनके लिए जो इसराइल मानते, जो उन्होंने रुका है, या रिपब्लिकन भी है या डेमोक्रेटिक वाली, दोनों को तरफ एक, उन्होंने एक कहानी भी है हमारा, जो नेतन्याहू खुद उनकी ट्रंप के साथ, जो पहले वाला प्रधानमंत्री में जो फॉर्मर प्रेसिडेंट, वो ट्रंप खुद डील किया था, वो खुद ट्रंप कह रहे इसराइल बहुत छोटा देश है, उसके बढ़ने के लिए तैयार है। बढ़ने के लिए तैयारी क्या होता, मतलब देवन तो नेक्स्ट वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप कब्जा कर दिया था पूरा, अभी तक शिबा फार्म, अभी तक लिबनान भी जा रहे, तो इसका क्या मकसद होता। इसका मकसद ये कि है एक्सपेंशन, सेटलमेंट और कॉलोनाइजेशन, ये अमेरिकन पॉलिसी है। अमेरिका इज पार्टनर विद इसराइल इन दिस वॉर गोइंग ऑन इन वेस्ट एशिया।